कलेक्ट्रेट परिसर में दिनदहाड़े चोरी की वारदात ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनदहाड़े खड़ी कार की कांच तोड़कर लाखों रुपए साफ कर दिए। ऐसा एक मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर से सामने आया। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर खड़ी कार से कांच तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल खनिज विभाग के सामने कार खड़ी करके कहीं और चले गए, तभी खड़ी कार के कांच तोड़कर डैशबोर्ड की डिक्की में रखे 2.5 लाख रुपए अज्ञात चोर ले उड़े। पीड़ित ने इस मामले में थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पीछा करते 2 बाइक सवार देखे गए। सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीएसपी अमन मिश्रा ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में एक कार में सवार होकर 5 लोग रजिस्ट्री के कार्य से पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने कार के कांच तोड़कर 2.5 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जाएगी और जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये कल दोपहर को लगभग 2 से 3 के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में एक 4-व्हीलर में 5 लोग अपने रजिस्ट्री के कार्य से पहुंचे थे। तो 5 मिनट के दौरान जब वो अपनी रजिस्ट्री कराने गए, उसी दौरान कुछ बदमाशों द्वारा उनकी कार का कंडक्टर साइड का फ्रंट का शीशा तोड़ के आगे के डैशबोर्ड में रखे लगभग 2.5 लाख रुपए चोरी लेकर के फरार हो गए। पुलिस को संदिग्धों की फोटो सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त हो गई है और पुलिस ने तत्काल ही शहर के चारों तरफ सभी थानों में सूचना करके नाकाबंदी करके उनकी सर्चिंग के लिए अभियान चलाया। आगे कार्रवाई की जा रही है। पहचान हो गई? उनकी पहचान नहीं हुई है, उनकी फोटो बस मिली है पुलिस को। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।